नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे फ्रूसीजेक्स, FRUSIZEX। साथियों, फ्रूसीजेक्स 10 mg 2 ml में जो है इंजेक्शन है। कहने का मतलब है 2 ml का साथियों हमारे पास एम्प्यूल है। साथियों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, फ्रूसीजेक्स इंजेक्शन है क्या। साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड बॉडी में ये जो है वर्क कैसे करता है। इंट्रैक्शन की बात करेंगे, प्रिकॉशन, कंट्रा इंडिकेशन, डोजेस एंड ब्रांड की बात करेंगे। साथियों, फ्रूसीजेक्स 2 ml इंजेक्शन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसन कॉल्ड लूप डायरेटिक। साथियों, डायरेटिक का काम होता है कि जैसे पेशाब जिसको नहीं होता है उसकी जो है पेशाब को बढ़ाना, मतलब यूरिन जो है बॉडी से एक्सेस अमाउंट में निकलने को जो है डायरेटिक कहते हैं। कहते हैं यूरिन का आउटपुट बढ़ाने के लिए ये जो है मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, उस क्लास की ये दवा है। साथियों, कहने का मतलब है बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग लूप डायरेटिक एंड इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी में जो है आप कहीं भी, चाहे प्राइवेट अस्पताल की इमरजेंसी हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो, साथियों उसमें जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इमीडिएटली। और ये क्या होता है कि ब्लड प्रेशर होता है उसको जो है, जो हाई होता है उसको लो कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। इट आल्सो रैपिडली रिड्यूसेस द स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब एडिमा, जो सूजन होती है साथियों शरीर में उसको भी जो है ये कम कर देता है, कॉज्ड बाय टू मच वाटर इन द बॉडी। साथियों, कहने का मतलब है जो शरीर में सूजन हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है, उसको जो है क्या करता है कि ये शरीर से निकालता है और उससे क्या होता है यूरिन जो है आउटपुट मतलब बढ़ जाता है। कहने का मतलब है पेशाब ज़्यादा तेज जो है पर्सन करने लगता है और उससे जो है बॉडी का पानी जब निकल जाएगा तो सूजन जो है, एडिमा जो होती है शरीर में, वो निकल जाती है। तो साथियों, ये जो है जी लेबोरेटरीज, जी ड्रग्स करके एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। ये 5.50 रुपये का इंजेक्शन है साथियों, फ्रूसीजेक्स। जो साथियों इसका जो कंपोजिशन है, जो इसका फार्मूला है साथियों, फ्रूसीमाइड इंजेक्शन है। साथियों, फ्रूसीमाइड इंजेक्शन जो है इसका जो केमिकल फार्मूला है फ्रूसीजेक्स में। साथियों, कंपनी जो है ब्रांड नेम अपने अलग रखती है लेकिन फार्मूला सेम रहता है। जैसे कि लैसिक्स में भी यही सेम फार्मूला है, नोवार्टिस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो फ्रूसीजेक्स जो है, फ्रूसीमाइड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं साथियों। ये जी लेबोरेटरीज का जो है प्रोडक्ट है साथियों, जी ड्रग्स का प्रोडक्ट है और ये 5.50 रुपये का जो है ये एम्प्यूल है। साथियों, ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूजेस की बात करेंगे। तो साथियों, फ्रूसीजेक्स जो फ्रूसीमाइड है, फ्रूसीमाइड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। साथियों, जो भी रोगी इमरजेंसी में आता है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि फ्रूसीमाइड इंजेक्शन जो है उसको लगाते हैं और उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। साथियों, ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। और ये क्या होता है कि जो फ्रूसीमाइड है, फ्रूसीजेक्स है, ये एडिमा शरीर में सूजन होती है, फ्लूइड भर जाता है, मतलब उसके इस्तेमाल में जो है इसको उपयोग किया जाता है, सूजन को कम करता है। कहने का मतलब है जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड एसोसिएटेड विद हार्ट, जैसे क्या होता है हार्ट में जो है पानी भर जाता है उसको बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, लीवर में पानी भर जाता है उसको जो है सूजन को कम करने के लिए लगाया जाता है, किडनी में पानी भर जाता है उसको कम करने के लिए लगाया जाता है, साथ ही साथ लंग्स में जो है पानी हो जाता है उसको जो है मतलब निकालने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथियों, साथ ही साथ ये फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, बॉडी जो है पानी से भर जाती है और सूजन आ जाती है, ऐसे केस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड पल्मोनरी एडिमा हो जाता है उसमें, एंड सेरिब्रल एडिमा जो सर में पानी भर जाता है उसमें, एंड एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड हो जाता है बॉडी के अंदर उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये होता है साथियों कि किडनी में जब जो है क्या होता है एक्सक्रीशन नहीं करती हैं, ऐसे केस में इस इंजेक्शन को लगा के और उसके जो है किडनी के अंदर का पानी बाहर निकाला जाता है। साथियों, और भी बहुत से जो है हिडन इसके यूजेस हैं साथियों, तो जो है अभी इतना ही साथियों। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे, तो इसके इस्तेमाल से जो मरीज होता है उसको जो है बहुत ही कमजोरी हो जाती है, ठंडी लगने लगती है, पेशाब जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है क्या होता है उसको ठंड लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, वीकनेस लग जाए, और कभी कभी इतनी ज़्यादा जो है मतलब बॉडी का पानी बाहर हो जाता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है,
रिहाइड्रेशन मतलब पानी, और साथ ही साथ ये क्या होता है पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल को भी कम कर देता है बॉडी के अंदर से। इसीलिए साथियों जब भी कभी क्या होता है कि मरीज को ये बहुत ज़्यादा केस में लगाया जाता है, दैट टाइम जो है स्पायरिनोलैक्टोन भी इसको जो है दिया जाता है जो है साथ में। साथियों ये क्या करता है भूख को भी बढ़ाता है, इसको लगाने से क्या होता है पर्सन के अंदर भूख बढ़ने लगती है और सर में दर्द होने लगता है, ये जो है साइड इफेक्ट है। साथियों हाउ टू यूज फ्रूसी जैक्स मतलब हाउ टू वर्क, ये शरीर में वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रूसीमाइड 2 ml का जो हमारे पास इंजेक्शन है ये लूप डायरेटिक क्लास की दवा है साथियों, और साथ ही साथ इट रिमूव्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी, और ये क्या करता है शरीर से जो है एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकाल देता है, और उसके चक्कर में क्या होता है कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं बॉडी से, और क्या होता है कि मतलब जो प्रोडक्शन है वो जो है बहुत ज़्यादा जो अरे मतलब यूरिन का जो है एक्सक्रीशन है ज़्यादा हो जाता है, ऐसे केस में कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो साथियों अगर पहले से किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो डॉक्टर साहब को ज़रूर बताना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है उससे ये इंजेक्शन ना लगाया जाए। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे, अगर डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं अगर कोई पहले से बीमारी या कोई दवा खाते हैं तो वो ज़रूर बताएं ताकि डॉक्टर अपने हिसाब से जो है दवाई को इस्तेमाल करें। साथियों अगर एस्प्रिन टैबलेट खाते हैं, एमिकासीन अगर इंजेक्शन आपको लग रहा है, या एमलोडिपिन ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो ऐसे केस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे, जिनके इम्पायर्ड फंक्शन ऑफ किडनी एंड लीवर है ऐसे कैंडिडेट को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, फ्रूसीमाइड और गठिया हो जाती है उस केस में इसको नहीं लगाया जाता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे साथियों, कभी कभी क्या होता है अनेबल टू यूरिन, क्या होता है कि यूरिन एकदम नहीं हो रहा है, क्रिटिकल समस्या है, ऐसे केस में क्या होता है डॉक्टर की सलाह से या जो है डॉक्टर के देख रेख में इंजेक्शन लगाया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं लगाया जाएगा। साथियों क्या होता है जिनकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है उनको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिनको शुगर होता है, ल्यूपस होता है, गठिया होती है, और या फिर एलर्जिक रिएक्शन है अगर सल्फा ग्रुप से, तो ऐसे केस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और साथियों एक और चीज़ बताऊंगा, अगर रिसेंटली जल्दी में किसी पर्सन ने MRI कराई है तो उस मरीज को इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना है। साथियों इसकी डोज की बात करेंगे, साथ ही साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो डोज इसकी साथियों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंजेक्शन IM और IV दोनों तरह से दिया जाता है। अगर ये साथियों IV लग रहा है तो बहुत स्लोली इसको पुश किया जाता है, या फिर इसको सलाइन या इन्फ्यूजन के साथ भी दे सकते हैं, जैसे कि RL है, DNS है, डेक्स्ट्रोज है, जो भी सलाइन चढ़ रहा है उसमें भी एड करके इसको जो है दिया जा सकता है। साथियों इसकी जो डोज है, सपोज दैट किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और वो मरीज जो है इमरजेंसी में आया है, ऐसे केस में क्या होगा, ये 2 ml का इंजेक्शन है जिसके अंदर 10 mg जो है फ्रूसीमाइड है उसको जो है स्टेट लगा दिया जाएगा तुरंत, और उससे क्या होगा उसको आराम मिल जाएगा। इनकेस नहीं मिलता है तो उसकी डोज की पावर बढ़ाई जाएगी, तो फ्रूसीमाइड 4 mg आता है उसको लगाएंगे, अदरवाइज आराम मिल जाएगा, तो एक सुबह इंजेक्शन एक शाम को इंजेक्शन ये लगाया जाता है। साथियों इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन में कभी कभी स्पायरिनोलैक्टोन भी दिया जाता है। साथियों ये तो डोज की बात हो गई थी साथियों, कि एडल्ट पर्सन को पेशाब बढ़ाने के लिए इसका सुबह शाम इंजेक्शन दिया जाता है साथियों, और अदरवाइज स्टेट इंजेक्शन देंगे उसको आराम मिल जाएगा। साथियों इसकी ब्रांड्स की बात करेंगे तो जो हमारे पास है फ्रूसी जैक्स, ये जो है इसके अंदर फ्रूसीमाइड फार्मूला है, ये जी ड्रग्स का है, उसी तरह से लाइसिक्स है, बहुत फेमस ब्रांड है, नोवार्टिस कंपनी का है, इस तरह से बहुत से जो है ब्रांड्स आते हैं। लेकिन साथियों अगर आप कभी केमिस्ट के यहाँ जाते हैं किसी ब्रांड से नहीं मिलता है, अगर आप फ्रूसीमाइड इंजेक्शन बोल देंगे तो केमिस्ट आपको इजीली से दे देगा साथियों। साथियों एक और चीज़ बताऊंगा, इसको जो है क्या होता है फ्रूसीमाइड इंजेक्शन भी कहते हैं, कभी कभी इन अदर वर्ड वी कैन से फ्यूरोसीमाइड भी कहते हैं, इसके दो नाम है। फ्यूरोसीमाइड अगर कोई देता है तो कन्फ्यूज मत हो, वही सेम इंजेक्शन है। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।